दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में हम कवर करने जा रहे हैं 28 मई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जरा सा सोच समझ कर आप इसका उत्तर दीजिएगा और इत्मीनान से दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको, आराम आराम से आप इसका उत्तर बताइएगा। आपके सामने प्रश्न आ चुका है और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों कूट वाले प्रश्न या कथन कारक वाले प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सा असत्य कथन है या कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न आता है। लिख क्या रहा है दोस्तों कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। क्या यह सत्य है कि प्रतिदिन का प्रतिदिन या प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। क्या यह बात सही है या गलत है? आपको यहां चुनना है। अगला पॉइंट लिख रहा है कि 2019 तक भारत में धूम्रपान करने वाले लोगों में 15 से 24 वर्ष की आयु वाले लोगों की अगर बात किया जाए तो इनकी संख्या 2 करोड़ थी। कितना? यानी 15 से लेकर के। दो पॉइंट आपके सामने दिया। पहला पॉइंट लिखा कि 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखा कि 15 से 24 आयु वर्ग वाले लोग की संख्या धूम्रपान करने में कितनी है? 2 करोड़ है। और साथ ही साथ लिख रहा है कि इसी के साथ दोस्तों भारत पहले स्थान पर है धूम्रपान करने की श्रृंखला में। कब? याद रखें, ओवरऑल नहीं, यहां पर 15 से लेकर के 24 वर्ष की जो बात किया जा रहा है उसमें, उसके अंतर्गत। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपसे लिखा है कि तंबाकू में सेवन करने के मामले में चीन जो है दोस्तों ये दूसरे स्थान पर, मतलब दूसरा स्थान किसका है? चीन का है। ठीक है, और पहला स्थान किसका है? भारत का है, जैसा कि यहां पर आपको दिया गया है। तो आपको बताना दोस्तों कौन सा कथन यहां पर क्या है, सही है गलत है, उसके बारे में आपको निर्धारण करना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। चलिए, आपके पास समय नहीं है, आपका समय ही समाप्त होता है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो यहां पर पहला कथन लिख रहा है कि यह दिवस कब मनाया जाता है, यह 31 मई को मनाया जाता है दोस्तों, यह क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है यह? बिल्कुल सही है। क्या आपसे पूछा क्या है कि कौन सा असत्य कथन है? तो यह तो क्या हो गया आपका पहला वाला पॉइंट, क्या हो जाएगा? यह सत्य कथन है। दूसरा लिख रहा है कि 2019 तक भारत में धूम्रपान करने वालों की श्रृंखला में अगर संख्या देखा जाए तो 2 करोड़ और आयु वर्ग देखा जाए तो 15 से 24, ये कथन भी क्या है? सत्य है। लेकिन यहां पे जो पॉइंट लिख दिया कि भारत पहले स्थान पे दोस्तों, यहीं पे इसने गलत कर दिया और इसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भारत किस नंबर पे है, तो याद रखिएगा दोस्तों पहले नंबर पे धूम्रपान करने के मामले में पहले नंबर पे कौन सा देश है? याद रखिएगा चीन जो है दोस्तों ये आपका पहले स्थान पर है और भारत आपका कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और आपसे पूछा ही था कि कौन सा कथन असत्य है, तो क्या बताएंगे? यहां पर दिया गया कौन सा कथन असत्य है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा ये दोनों क्या है यहां पर? असत्य है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और कौन सी बात यहां पर याद रखी जा सकती जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिए एक आंकड़ा इसी के साथ और भी जारी किया गया। वो आंकड़ा क्या था मैं यहां पर मिटा के लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। लिखा था कि 2019 तक में अगर पूरे दुनिया भर की बात किया जाए तो याद रखे पूरे दुनिया भर में धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई है? तो 1 बिलियन जो है क्रॉस कर गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोग क्या करते हैं? तंबाकू का सेवन करते हैं और इसके वजह से प्रतिवर्ष दोस्तों 7 मिलियन लोगों की क्या हो जाती है यहां पर? मृत्यु हो जाती है। 7 मिलियन मतलब सीधे फीधे मैं बताऊं तो 70 लाख लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आप इस आंकड़े को भी क्या करिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पहला स्थान आपने देख ही लिया कि पहला स्थान किसका है? चीन का है। दूसरा स्थान आपका भारत का है। तीसरा स्थान भी आप याद रखें, हो सकता है किसी परीक्षा में आपसे पूछ दे, इंडोनेशिया का दोस्तों तीसरा स्थान है। इतनी बातें आपके लिए इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट थी जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिख रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों की संख्या पर जो है संख्या जो होती संख्या पर तो रिपोर्ट आता है। दुनिया भर में धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए एक दिवस बनाया गया कि आप धूम्रपान कम करें ताकि आपको जो है सुरक्षित रखा जा सके, जीवन को बचाया जा सके। तो याद रखिए दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष
30 मई को, ठीक है। आगे लिख रहा है कि भारत में धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या, तो मैंने बताया कि 15 से लेकर 24 साल, आप सोचो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं लोग, ठीक है, अभी जो पढ़े भी नहीं है, अभी किसी नौकरी को नहीं पाए हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं या किसी भी तरह का धूम्रपान कर रहे हैं, याद रखिए। और इनकी संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, पूरे देश में इनकी संख्या कितनी है, 2 करोड़ है। करा दुनिया भर में तंबाकू धूम्रपान करने वालों की दूसरी बड़ी संख्या भारत में निवास करती है और सबसे ज्यादा चीन में निवास करती है। करा भारत में 1990 के बाद 15 से 24 आयु वर्ग के धूम्रपान करने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि अभी देखा गया, ठीक है। और इस समय देखा जाए तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, याद रखिएगा 1 बिलियन हो चुका है। और अंतरराष्ट्रीय प्रदेश से करा तंबाकू के सेवन से 7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है। नए धूम्रपान करने वालों में 89% क्या है, ये 25 साल की उम्र तक जो है धूम्रपान के लिए आदि हो चुके लोग हैं, इतना ज्यादा जो है धूम्रपान के नशेड़ी सब हो चुके हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट देश दे रहा दोस्तों, इसमें देख पा रहे होंगे पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है, और तीसरा इंडोनेशिया का है, चौथा अमेरिका का है, पांचवा रूस का है, छठवा बांग्लादेश है, सातवा जापान है, आठवां तुर्की है, नौवां वियतनाम है, और दसवां आपका फिलीपींस देश है। ये 10 देश हैं दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा धूम्रपान की जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिख रहा आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए एक अधिनियम को मंजूरी दिया, ठीक है। बड़ा बढ़िया यार, देखिए इस तरह के घटनाएं होते रहते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए सरकार ने कोई नया कानून बनाया, कोई नया अधिनियम बनाया, तो लोग विरोध करने के लिए कई बार शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन करते हैं और कई बार लोग क्या हो जाते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं। सपोज करिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गाड़ी घोड़ों में आग लगा देना, ठीक है, और व्यक्तियों पर पथराव करना, लोक सेवक के ऊपर हमला करना, इस तरह की घटनाएं आप लोग सुनते होंगे। तो ऐसे में बहुत सारी संपत्तियों का नुकसान होता है। तो एक राज्य है दोस्तों जिसने क्या किया है कि अगर कहीं पर संपत्तियों का नुकसान होगा तो उसकी वसूली के लिए एक अधिनियम को मंजूरी दे दिया। आपको बताना कौन सा राज्य है, आपको बताना कौन सा राज्य। हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, हम तो जानबूझ करके वसूल लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपने सुना होगा कई बार योगी आदित्यनाथ ने क्या कर लिया, दूसरों की संपत्ति को कुर्की करा लिया। कुर्की कराना मतलब वसूल लिया गया। अगर वो पैसा नहीं देते हैं, जुर्माना वो नहीं भरते हैं, ठीक है, जितना नुकसान हुआ है, ठीक है, तो क्या कर दिया जाएगा, उनकी संपत्ति को बेच करके, जो भी उनके संपत्ति होगी घर पे, उसको बेच करके ये जुर्माना भरा जाएगा, ये जो वसूली है वो की जाएगी। इस तरह का कारनामा आपने सुना होगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ये है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा राज्य ने क्या किया है, इस तरह के एक अधिनियम को मंजूरी दे दिया जो संपत्ति के नुकसान की क्या करेगा, वसूली करेगा, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा SN आर्य। कौन है? SN आर्य राज्यपाल है, उन्होंने मंजूरी दे दिया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये हरियाणा की बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा हरियाणा के राज्यपाल SN आर्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली विधेयक को मंजूरी दे दिया। इस बिल के अनुसार लोगों की दुकानों, घरों, सरकारी कार्यालयों, बसों, वाहनों और ऐसी अन्य सार्वजनिक संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से की जाएगी, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे की जाएगी। अगर प्रदर्शन किसी नेता के द्वारा किया जा रहा है तो इसमें नेता की संपत्ति का भी कुर्की कराया जाएगा और उससे भी यह मुआवजा के रूप में भरवाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया विधेयक है, मुझे लगता है इस तरह का विधेयक हमारे देश में होना ही चाहिए ताकि लोग कम से कम सरकारी संपत्तियों का नुकसान न करें। ना तो देखिए कभी किसी बात के विरोध के लिए दोस्तों, ना तो सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया जाना सही है, ना ही निजी संपत्तियों का। मेरे कहने का तात्पर्य थोड़े है कि आप बस को मत फूंको और जो कॉमन कार खड़ी है रोड पर उसको तोड़ फोड़ दो, नहीं, ना आपको निजी संपत्तियों पर किसी तरह का जो है व्यवधान पैदा करना चाहिए, ना सरकारी संपत्तियों पर करना चाहिए। आपको कोई बात कहनी है, लोकतंत्र है, आप जो है सिस्टम के माध्यम से अपनी बातों को रखिए और उसको जो है जानने और मानने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न लिख रहा है, ये तो बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको सुनकर के आप कहोगे क्या ऐसा भी संभव है क्या। लिख रहा है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस पर कार्यवाही किया गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन वैसे तो यहां पर पढ़ाने वाला नहीं था, बट मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ थोड़ा सा एंटरटेन कर लिया जाए और बताया जाए आपको कि देखिए इस तरह की चीजें भी होती हैं। यहां पर दोस्तों कार्यवाही जो किया गया वो कार्यवाही किया गया है, लिख रहा है, फर्जी आरटीपीसीआर के लिए यात्रियों के ऊपर, यानी जो डुप्लीकेट आरटीपीसीआर लेकर के एयरपोर्ट पर जाते हैं और यात्रा करने का प्रयास करते हैं उनके लिए दोस्तों यहां पर जो है
कार्यवाही आई है। दूसरा लिखा है दोस्तों, मैरिज ऑन एयर में शामिल लोगों के लिए या फिर एयरपोर्ट पर कोविड 19 के मानदंडों का पालन न करने वाले लोगों के लिए या फिर विदेश से RT-PCR कराए बिना अगर कोई दाखिल हो रहा है हमारे देश में तो उनके ऊपर कार्यवाही किया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ये मैरिज ऑन एयर क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए अभी तक आपने सुना होगा कि मंडप में शादी होती है, ग्राउंड में शादी होती है, किसी होटल में शादी होती है, ठीक है। लेकिन ये शादी अपने आप में बड़ी अजूबेदार शादी थी। कैसी शादी थी दोस्तों? तो एक प्राइवेट जेट को दोस्तों यहां पर बुक किया गया और इस प्राइवेट जेट के माध्यम से दोस्तों याद रखिएगा, इस प्राइवेट जेट के माध्यम से याद रखिए लोग हवा में थे और हवा में ही यह शादी कराई गई। तो बड़ी बेहतरीन शादी थी भाई, ठीक है, बहुत बेहतरीन शादी थी, ठीक है। वैसे बनाना आता नहीं यार, मैंने ऐसे ही बना दिया। तो याद रखिए हवा में शादी हुई, हवा में शादी की रस्में हुई, हवा में जयमाल हुआ, ठीक है। और इस पूरे शादी में थोड़े बहुत नहीं 161 यात्री शामिल थे, ठीक है। बाकायदा इनका जो टिकट बुक था, ठीक है, ये प्राइवेट जेट था ना, ये प्राइवेट जेट था, 161 यात्रियों की उपस्थिति में किया गया। और इसीलिए पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने क्या किया, इस पर कार्यवाही किया, ठीक है, कि ऐसा कैसे संभव है जिस समय में इतना कोविड 19 का प्रकोप चल रहा है उसके मापदंडों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मतलब जहां पर 50 या अधिक लोगों की आने की अनुमति नहीं है, ऐसे में 161 लोग हवा में शादी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब यह शादी हो रही थी तो उतने टाइम के लिए जो जहाज था, यह जो प्राइवेट जेट था, यह आपने नाम सुना होगा मदुरई में मंदिर है, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, जिसे पांडे शासकों ने बनाया था, उस मीनाक्षी मंदिर के ऊपर ये ऐसे-ऐसे चक्कर काट रहा था, ठीक है। तो सोचो कितनी स्टाइलिश, एकदम फिल्मी वाली स्टाइल में दोस्तों शादी हुई थी। लेकिन अब फिल्मी वाली स्टाइल में दोस्तों मुझे लगता है कुटाई भी होने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चीजें आप याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर एक दो चीजें आप और भी याद रखिएगा जो अच्छी बातें हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। कि होता क्या है कि अगर ये कहा गया कि मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको बार बार कहा जा रहा है कि वो कोविड 19 मानदंडों का पालन करे या एयरपोर्ट पे जो चीजें बताई जा रही उसका पालन करे, अगर बार बार जो है उसका पालन नहीं करता तो सबसे पहले उसको नो फ्लाई एयर की सूची में रख दिया जाएगा। कहां रखा जाएगा? उसको नो फ्लाई एयर की सूची में रख दिया जाएगा 3 महीने के लिए। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करते हुए पाया गया तो 3 महीने वो फ्लाइट की सुविधा नहीं ले सकता है, वो फ्लाइट से कहीं आ जा नहीं सकता है, उसके लिए बना नो फ्लाई एयर, ठीक है। तो याद रखिएगा नो फ्लाई सूची इसको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों 3 और तरीके की बातें हैं। जैसे मान लीजिए कोई मौखिक तरीके से नहीं होता, वाद संवाद हो जाता है, ठीक है, अगर मौखिक तरीके से किसी भी एयरपोर्ट के कर्मचारी या वहां काम करने वाले लोगों के साथ कोई अभद्रता करता है, कोई दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे में उसको 3 महीने की सजा भी हो सकती है। 3 महीने की सजा का प्रावधान किया गया अगर वो क्या करता है, मौखिक करता है। तो अगर शारीरिक हमला हो जाता है, यहां पे लिख भी दे रहा हूं, मौखिक नहीं हो सकता, आप भूल जाएं मौखिक, ठीक है। अगर शारीरिक हमला होता है तो याद रखेगा शारीरिक के कंडीशन में दोस्तों चीजें चेंज हो जाएंगी और यहां पर 6 महीने का जो है सजा दिया जा सकता है, अगर आपने शारीरिक रूप से क्या किया, दुर्व्यवहार किसी से किया तब। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या किसी भी माध्यम से उसके प्राण को संकट में डाल दे तो उसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान है, यह भी आप याद रखेगा। यह मैं एडिशनल चीजें बता रहा हूं जो आपको ध्यान देना चाहिए लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न था, इसे आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन आप आराम से पढ़िएगा और इसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित उइगर का संबंध किससे है? ये उइगर क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है, चर्चा में रहा दोस्तों उइगर, तो आपको बताना है उइगर क्या होता है। लिख रहा है चीन में निवास करने वाले अल्पसंख्यक को उइगर कहा जाता है, या फिर मंगल ग्रह पर प्राप्त जो जीवान से जीव के जो अंश मिले हैं हाल ही में उसको जो है उइगर कहा जाता है, या मेघालय में प्राप्त कोई सर्प की प्रजाति है उसको कहा जाता है, या फिर अमेरिका द्वारा निर्मित मानव रहित कोई मिशन है उसको कहा जाता है। ये उइगर है क्या? तो उइगर को जानने के लिए दोस्तों आपको मैं ले चलूंगा चीन में, ठीक है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। बात समझिए चीन क्यों है, तो याद रखिए चीन में एक जगह है, देखिए चीन में क्या था कि एक शहर है और उस शहर में एक विशेष तरह की आबादी रहती है, उस शहर का नाम है शिनजियांग। कौन सा शहर है दोस्तों? शिनजियांग, ठीक है। इस शहर में एक विशेष आबादी रहती है जिसका नाम है उइगर, ठीक है, वो वहां पे अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। आप कहोगे सर ये मुझे आप क्यों बता रहे, क्योंकि आज तो रह नहीं रहे दोस्तों। मामला कुछ ऐसा है कि उइगर जनजाति वहां पर, ठीक है। अच्छा, उइगर किस टाइप की जनजाति होती है? तो मुस्लिम से संबंधित जनजाति है उइगर। कैसी है दोस्तों? क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
ये मुस्लिम से रिलेटेड है और इस सिंजियांग वाले क्षेत्र में यहां पर आप देखेंगे तो तजाकिस्तान के तजा लोग, कजाकिस्तान से संबंधित लोग या फिर जो अरब कंट्री साइड वाले लोग हैं, ये मुस्लिम बेल्ट है, ये चाइना में स्थित क्या है, मुस्लिम बेल्ट है। और चाइना क्या करता है, इस जगह पर जाकर के लोगों को जबरदस्ती जो है चीन के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, ठीक है, उनकी जो है प्रार्थना करने के लिए, उनको जो है अपना भगवान मानने के लिए, इस तरह के कारनामे करने के लिए चीन उस पर दबाव बनाता है, वहां के लोगों के ऊपर दबाव बनाता है कि नहीं आप कसम खाइए कि आप हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देंगे, किसी अन्य का साथ नहीं देंगे, आप हमेशा सी जिनपिंग के प्रति क्या रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, या आप शपथ लीजिए। इस तरह की जो है भावनाएं यहां पर चीन पैदा करता है इस वाले क्षेत्र में जहां पर यह अल्पसंख्यक निवास करते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर चीन बड़ा ही दुर्व्यवहार करता है, दुराचार करता है। यहां पर जो महिलाएं हैं उनसे उनके बच्चों को चीन छीन लिया जाता है, ठीक है, और कई बार तो जो बच्चे छोटे हैं जिनके पढ़ने लिखने की उम्र है उनसे बालाश्रम भी कराया जाता है। कई बार बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां इसीलिए चीन से अपना कारखाना, अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, क्योंकि चीन वहां पर क्या करता है, बालकों को काम पर लगाता है जबरदस्ती, ठीक है। तो बहुत सारे मानदंडों का चीन यहां उल्लंघन करता है, इसीलिए यहां पर यह था कि ब्रिटेन के द्वारा एक यहां पर क्या बनाया जा रहा था, ब्रिटेन यहां पर एक जन न्यायाधिकरण जिसे पीपुल ट्रिब्यूनल कहा जाता है, एक पीपुल ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा था, तो वहां पर जांच किया जाता कि क्या यह बात सत्य है असत्य है, लेकिन चीन इसके खिलाफ विरोध में खड़ा हो गया। तो कुल मिला जुला कि यही मामला था, मैंने अपने भाषा में आपको सभी बातें समझा दिया। अब आगे चल के पढ़ लेते हैं कि हाँ एक्चुअली में क्या मामला है। देखिए लिख रहा है कि चीन के सिंजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य तुर्की मुस्लिम आबादी नरसंहार किए जाने से संबंधित आरोपों की जांच करने हेतु ब्रिटेन में एक जन न्यायाधिकरण यानी पीपुल ट्रिब्यूनल गठित करने की योजना जो है की चीन द्वारा निंदा की गई है, ठीक है, इसीलिए यह चर्चा में आया। करा सिंजियांग प्रांत चीन की प्रमुख विदेश नीति के लिए एक सिरदर्द बन गया है, क्योंकि पूरे विदेश में इसकी थू हो रही है। सिंजियांग में लाखों की संख्या में उइगर निवास करते हैं, ये भी अल्पसंख्यक हैं, कजाकिस्तान वाले निवास करते हैं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को पुनर्शिक्षित शिविरों में कैद करने का आरोप लगाया गया है, ठीक है। इन शिविरों में इन समुदायों को अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक का त्याग करने तथा चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेता सी जिनपिंग के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए विवश किया जाता है। इस क्षेत्र की महिलाओं ने भी गवाही दी है कि उन्हें गर्भ निरोधक तरीकों से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है और बताया गया है कि कैद में बंद माता पिताओं से उनके बच्चों को भी मिलने नहीं दिया जाता है। बालाश्रम कराए जाने से संबंधित दावों के मद्देनजर कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां से ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो इतनी बातें दोस्तों आप याद रखेगा जो आपके लिए आवश्यक थी, परीक्षा में हो सकता हो यहां से कोई पॉइंट बन जाए और आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से सत्य कथन जो है उसके बारे में विचार करिए। करा 27 मई को सुपर मून की खगोलीय घटना देखी गई, जबकि 26 मई को चंद्र ग्रहण की घटना देखी गई थी। अगला पॉइंट लिख रहा है कि सुपर मून और चंद्र ग्रहण, पूर्व चंद्र ग्रहण की घटनाएं लगभग 12 वर्षों के पश्चात एक साथ हो रही हैं, क्या आपको बताना है कि यहां पर सत्य कथन कौन सा है, ठीक है, यहां पर सत्य कथन कौन सा है। तो पहला पॉइंट लिख रहा है दोस्तों कि 27 मई को सुपर मून की घटना हुई थी, तो आप यह याद रखिए दोस्तों कि 27 मई को सुपर मून नहीं हुआ था, यह घटना घटित हुई थी 26 मई को। कब हुई थी, 26 मई को। तो पहला ते वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट सही है, क्योंकि 26 मई को ही चंद्रग्रहण था और पूर्ण चंद्रग्रहण था, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो लिख रहा है दोस्तों, सुपर मून और पूर्ण चंद्रग्रहण की घटना ये 12 वर्ष पश्चात नहीं देखी जा रही एक साथ, ये 6 वर्ष बाद देखी जा रही है। कितने वर्ष बाद, ये 6 वर्षों बाद एक साथ देखी जा रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा, तो केवल दूसरा वाला क्या है यहां पर सही उत्तर है, केवल दो आपका क्या हो जाएगा सत्य है, इसलिए यहां पर पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए, सुपर मून की कंडीशन कब बनती है, तो इसकी एक सिंपल लाइन आप याद रखिए कि जब कभी चंद्रमा
जब कभी चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है, ठीक है, जब कभी चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है और अपने पूर्ण आकार में होता है, तब जाकर के बनता है सुपर मून। क्यों? क्योंकि वही कंडीशन है जब चंद्रमा सामान्य आकार से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। भाई कोई चीज नजदीक आती तब ना बड़ा दिखता, दूर से तो हर चीज छोटी नजर आती है, तो बड़ी कब नजर आएगी? जब वो नजदीक आ जाएगा तब ऐसा होता है। तो इसको याद रखेगा, ये नॉर्मली सुपर मून की घटना याद रखिए, लगातार 2 से 4 पूर्ण सुपरमून की घटनाएं किसी एक विशिष्ट साल में हो सकता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपने एक चीज और सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा पृथ्वी से दूर है और कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा पृथ्वी से क्या है, नजदीक है। तो इन दोनों में दो शब्द आपके सामने आते हैं। एक शब्द आता है उपभू, जिसे पेरिजी कहा जाता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है पेरिजी, या बोलते हैं उपभू, ठीक है, उपभू या फिर पेरिजी। उपभू या पेरिजी क्या होती है? तो याद रखिए, जब सर्वाधिक नजदीक का मामला हो, क्या हो, सर्वाधिक नजदीक का मामला हो, तब होता है ये, ठीक है। सर्वाधिक नजदीक मतलब क्या है? जब कभी चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक हो, तब क्या कहा जाता है? उपभू कहा जाता है या फिर पेरिजी कहा जाता है। और जब कभी चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो, तब क्या कहा जाता है? तब इसी का उल्टा कर देंगे, उप की जगह अपभू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपभू हो जाएगा। और पेरिजी की जगह क्या हो जाएगा? पेरिजी की जगह हो जाएगा एपोजी। क्या हो जाएगा? एपोजी, ठीक है। यहां पे क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेगा, यहां पे होती है सर्वाधिक दूरी। क्या होती है? सर्वाधिक दूरी। इस तरह की चीजें भी दोस्तों आपसे पूछी जाती हैं, इसको आप याद रखेगा, बाद में मुझसे मत कहिएगा कि सर मुझे नहीं याद है। इसी प्रकार की कंडीशन सूर्य के साथ भी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उपसौर और अपसौर का नाम देते हैं। उपसौर और अपसौर। उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को और जो है अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी का डिटेल आप आराम से पढ़िए, खोल करके डाउनलोड करिए पीडीएफ और इत्मीनान से देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए, कर हाल ही में भारत सरकार के किस विभाग ने पहलवान सुशील कुमार को निलंबित कर दिया है? किस विभाग ने पहलवान सुशील कुमार को निलंबित कर दिया है? लिख रहा भारतीय रेलवे ने, या खेल कूद मंत्रालय ने, या कुश्ती महासंघ ने, या फिर भारतीय ओलंपिक संघ ने। दोस्तों आपने देखा होगा कि सुशील कुमार क्या है, ये कुश्ती प्लेयर हैं, ठीक है, और हाल ही में इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक हत्या में इनकी संलिप्तता पाई गई, जिसके लिए इनसे पूछताछ भी चल रहा था, उसके बाद ये साबित भी हो गया, ठीक है। तो किसकी हत्या हुई थी दोस्तों? याद रखेगा 23 मई को, ठीक है, 23 मई को हत्या किया गया था सागर धनखड़ का। किसका? सागर धनखड़ की हत्या हुई थी, ठीक है। सागर धनखड़ भी क्या थे दोस्तों? जैसे ये एक पहलवान थे, वैसे सागर धनखड़ भी क्या थे? एक पहलवान थे। और उनकी हत्या के लिए दोस्तों इनसे पूछताछ चला, इनके एक मित्र थे वो भी गिरफ्तार हैं, इनकी एक महिला मित्र थी वो भी गिरफ्तार है, ऐसे कई लोग गिरफ्तार हैं जो लोग सागर धनखड़ की मृत्यु में शामिल थे। आपको मैंने पढ़ाया है कि कभी भी अगर हत्या की बात आती है तो हत्या के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है धारा 302 के अंतर्गत। अगर हत्या के लिए प्रयत्न हुआ है तो धारा 307 के अंतर्गत आता है, लेकिन दंड का प्रावधान 302 के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत या तो मृत्यु दंड या तो आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बात आती है दोस्तों इनको निलंबित किसने किया है, तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर का उत्तर टिक करेंगे, लेकिन सारे उत्तर गलत हैं। याद रखेगा, इनको निलंबित किया है भारतीय रेलवे ने। आप कहोगे धत तेरी की, क्या प्रश्न आपसे पूछ दिया सर, सुशील कुमार हत्या किया और निलंबित किया भारतीय रेलवे ने, मतलब सर समझा नहीं मैं। तो मतलब आप समझिए दोस्तों, मतलब ये था कि इन्होंने बहुत सारा इनाम भी जीता, अभी मैं इनाम के बारे में बताता हूं, पहले आप समझिए कि निलंबित कहां से हुए हैं। तो याद रखिए, भारतीय रेलवे में आपने उत्तर रेलवे का नाम सुना होगा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है दोस्तों? तो आप पढ़ते हो दिल्ली, ठीक है, उत्तर रेलवे मुख्यालय कहां है? दिल्ली। तो देखिए आप यहां की अगर बात करेंगे तो उत्तर रेलवे में इनको वाणिज्यिक महाप्रबंधक बनाया गया था। क्या बनाया गया था? वाणिज्यिक महाप्रबंधक, ठीक है, वाणिज्यिक महाप्रबंधक, ठीक है। तो याद रखे बनाया गया था, और उनको इस पद से दोस्तों बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो है स्पेशल ड्यूटी में थे, ठीक है, जिसको कहा जाता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ओएसडी की ड्यूटी में भी थे दोस्तों, वहां से भी इनको हटा दिया गया है, क्योंकि ये घटना जो है उनसे संबंधित है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है सुशील कुमार के बारे में, अगर जो नहीं जानते तो जान जाइए, सुशील कुमार दूसरे नंबर के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में
कुश्ती के क्षेत्र में मेडल जीता है। इसके पहले दोस्तों केडी जाधव का नाम आपने सुना होगा, किसका नाम, केडी जाधव का नाम सुना होगा। इसके पहले केडी जाधव ने मेडल जीता था किसमें, कुश्ती में, ये पहले नंबर पे थे। और दूसरे नंबर पे याद रखेगा सुशील पहलवान है, सुशील कुमार पहलवान, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। कब जीता था दोस्तों गोल्ड मेडल, तो याद रखे 2008 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2012 8 के बाद दोस्तों 2012 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने क्या किया था, रजत पदक जीता था, गोल्ड न जीत करके चांदी का पदक इन्होंने जीता था जिसे रजत पदक के नाम से जाना जाता है। तो 2012 वाले में, ठीक है, 2012 वाला लंदन में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 2008 में जीतने के बाद 2009 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो आप इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा है कि नहीं समझ के, ठीक है, एक एक प्रश्न दोस्तों ध्यान से पढ़ते चलिए, देखते चलिए अच्छे से, ठीक है। आपका महीना समाप्त होने वाला है, तो जैसे ही महीना समाप्त होगा मैं आपको जो है पूरा मंथली करंट अफेयर लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको जनवरी का एक बार फिर से करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, फरवरी का भी पढ़ाया जाएगा, मार्च का भी पढ़ाया जाएगा, अप्रैल का भी पढ़ाया जाएगा और मई का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 5 महीने के करंट अफेयर की तैयारी चल रही है, बेहतरीन तैयारी, और वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में किसे सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, ठीक है, स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपके सामने लिख रहा है अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई या फिर नुकलू फोम। अभी हाल फिलहाल में आपने नुकलू फोम का नाम सुना होगा, जब आपने पढ़ा था कहां की बात, नागालैंड की बात पढ़ा था कि कैसे अमूल फानकन वहां आते हैं और फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है नागालैंड को, ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए दोस्तों इनको याद किया जाता है, ठीक है। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है, ठीक है, जिसे पर्यावरण के नोबेल के नाम से जाना जाता है, तो उसको भी याद रखें, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन को स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया जो कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बटा था, ठीक है, यह पुरस्कार उनको मिला। और इस पुरस्कार को किस श्रेणी में रखा गया था, तो याद रखिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, कौन सा है, तो याद रखेगा प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस, ठीक है, आस्टूरियस अवार्ड, ठीक है, इस श्रेणी का अवार्ड दोस्तों इनको दिया गया है, यह भी आप याद रखेगा। बाकी आप इनके बारे में जानते होंगे, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, ये दोनों लोग ऐसे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि अमर्त्य सेन को क्या दिया गया था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ये याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि ये नोबेल पुरस्कार उनको कब दिया गया था, सेन साहब को, तो याद रखे बहुत पहले दिया गया था 1998, ठीक है, जिस वर्ष क्या हुआ था, कारगिल वाली लड़ाई चल रही थी, उसी साल दोस्तों अमर सेन को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके ठीक अगले साल उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, यानी कि 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला था। तो यह स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको आप याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2020 में भी इनको एक पुरस्कार मिला था, जर्मन ब्रुक ट्रेड पुरस्कार, कौन सा, जर्मन, याद रखिएगा, याद आ गया, जर्मन ब्रुक ट्रेड पुरस्कार, ठीक है, ये 2020 का भी था दोस्तों, तो इन्हीं को ये पुरस्कार मिला था, तो ये सभी बातें आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए बाकी अगर इस अवार्ड की बात करें, तो ये अवार्ड कब दिया जाता है, तो याद रखे दोस्तों, करा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रिंसेस ऑफ स्टोरियस अवार्ड, इतिहास, कानून, भाषा, शिक्षण, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में शोध करने के लिए उनके पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अमर सेन को उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य के लिए पुरस्कार मिला है, किसके लिए चुना गया है, तो पॉवर्टी एंड फैमिलीज के लिए दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में जोआन मीरो की एक प्रतिमा दी जाती है और 50,000 यूरो भी नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों, अगला पॉइंट लिख रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा यह पासा क्या है, जल्दी से बताइए यह पासा क्या है, तो लिख रहा है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी या फिर प्री एक्शन फॉर एंटी सोसाइटी एक्टिविटी, ठीक है, प्री एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट एसोसिएशन या फिर पैरा ओलंपिक एसोसिएशन फॉर सोशल एक्टिविटी, ये पासा का मतलब क्या है ये आपको बताना है और क्यों ये चर्चा में है दोस्तों आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रफुल्ल खेड़ा पटेल, क्या नाम है, कहोगे इनका, इनको, इनका नाम क्यों लिया जा रहा है, इनका नाम देखिए कुछ कारण से लिया जा रहा है, ठीक है।
ये दोस्तों प्रशासक हैं। क्या हैं? ये प्रशासक हैं। अब आप कहोगे सर प्रशासक क्या होते हैं, तो याद रखिए जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वैसे ही जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके प्रशासक होते हैं। और ये दोस्तों ये लक्षद्वीप के क्या हैं, प्रशासक है। इसके साथ ही साथ ये दादरा और नगर हवेली के भी क्या हैं, प्रशासक है। कहां पे? दादरा और नगर हवेली, और इसके साथ दमन दीव के भी क्या हैं, ये प्रशासक है। तो कई सारा क्षेत्र दोस्तों इनके अंडर में है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे क्या दोस्तों याद रखिए, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण ने अभी हाल ही में क्या किया कि वहां पर डेवलपमेंट के लिए क्या किया, जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए भूमि मालिक थे उनसे चीजों को खाली कराया ताकि वहां पर बेहतरीन कार्य किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन इसी के बाद उन्होंने और लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो है गलत तरीके से जो है बेदखल करने के खिलाफ दोस्तों लोग लगे अनशन करने, लोग लगे जो है क्या बोलते हैं आंदोलन पे बैठ गए, इस तरह की एक्टिविटी होने लगी। तो यहाँ पे मामला ये पहुंच गया कि एक सरकार को एक नया जो है फार्मूला लाना पड़ा, ठीक है। और उस फार्मूला का नाम दिया गया प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी। क्या दिया गया? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी। चलिए इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं ताकि बहुत बेहतरीन ये प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। करा लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का केंद्र शासित प्रदेश के लोगों और राजनेताओं द्वारा हाल के दिनों में तैयार की गई नीतियों के कारण विरोध किया जा रहा है। नीति क्या है? कर लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, ठीक है, जिसको LDRA कहा जाता है, ठीक है, या शॉर्टकट में LDA बोल सकते हैं, यानी लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण। करा इसके द्वारा जो भूमि मालिक हैं उनको बेदखल करने की जैसी व्यापक शक्तियों के साथ बनाया गया, क्योंकि जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं उनसे खाली कराया जाएगा। यह कानून LDR को किसी भी क्षेत्र के लिए व्यापक विकास योजनाएं तैयार करने और लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों को नगर नियोजन या किसी भी विकासात्मक गतिविधियों के उद्देश्य से उनकी संपत्ति से हटाने या स्थानांतरित करने के लिए व्यापक प्रदान करता है। यहां पे जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं उनको भी हटाया जा सकता है। या आपने देखा होगा कि कहीं पर रोड बन रहा है तो रोड के लिए जो सरकार को जमीन लेनी पड़ती है उस कंडीशन में भी या जो है लोगों को जमीन देनी पड़ती है, अगर वो नहीं देना चाहते तो भी देनी पड़ेगी, क्योंकि यह सरकारी नियम है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह का है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक पासा आया प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, लिख रहा यह अधिनियम 2021 में पेश किया गया था। इसके अनुसार व्यक्ति को किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के एक वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, ठीक है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल एक राजनेता है जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव और साथ ही साथ लक्ष्य के प्रशासक के रूप में पद को संभाल रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखेगा दोस्तों। और यहां पे क्या है कि इस वाले एक्ट के तहत क्या किया जा सकता है, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो एक तरह से रॉलेट एक्ट की जैसी चीजें हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लिख रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर्स की नियुक्ति किया, ठीक है। ये गार्जियन मिनिस्टर्स क्या है दोस्तों, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। तो गार्जियन मिनिस्टर को क्या किया जाएगा, है तो मिनिस्टर लेकिन जिले स्तर तक आकर के काम करेंगे, कैसे ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, कैसे उन योजनाओं को अमल में लाया जाए, कैसे उन योजनाओं में जो समस्याएं आ रही कैसे उनको दूर किया जाए, कुल मिला जुला के सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे काम किया जाए, उसके लिए दोस्तों यह जो बनाया गया है गार्जियन मिनिस्टर, ठीक है। और इस तरह का अपने देश में पहला कॉन्सेप्ट है और यह लाया गया असम में, ठीक है। अभी हाल ही में देख रहे होंगे कि असम में सरकार बनी है बीजेपी की और असम में मुख्यमंत्री बनाए गए कौन, बिश्वा शर्मा जी, क्या नाम है, बिश्वा शर्मा, हेमंत बिश्वा शर्मा, और इन्होंने गार्जियन मिनिस्टर्स की नियुक्ति किया। करा ये मिनिस्टर्स क्या करेंगे दोस्तों, तो करा राज्य के सभी 34 जिलों में संतुलित तेज और सतत विकास की देखरेख करेंगे, नीतिगत फैसले, प्रशासनिक सुधारों और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को भी निगरानी रखेंगे। सबसे बेहतर बात है कि जिले स्तर तक इनकी निगरानी होगी ताकि एक एक योजनाओं पर बेहतरीन तरीके से ध्यान दे सकें। इसीलिए दोस्तों यहां पे जो 13 मंत्री हैं उनमें से 8 मंत्रियों को 3-3 जिले और 5 मंत्रियों को 2-2 जिले भी आवंटित किए गए ताकि हर मंत्री हर जिले तक पहुंच सुनिश्चित कर सके और एक एक कार्यक्रम पर अपनी निगरानी रख सके। तो काफी अच्छा काम कर रही है असम, मुझे लग रहा है बहुत बेहतर ये काम हो रहा है। हाल ही में किस राज्य ने में AI बेस्ड कीट प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया, दोस्तों एक भी ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। याद रखें मामला है तेलंगाना का, और तेलंगाना में होता क्या दोस्तों कि जो किसान है जब वो खेती करते हैं तो खेती करने के दौरान दोस्तों वहां पर घटना एक है कि कपास की खेती जब होती दोस्तों तो उसमें कीड़े बहुत लगते हैं, ठीक है,
तो यहां पर एक AI बेस्ड सिस्टम बनाया गया कि कीट पतंगों का पता वो पहले से लगा लेंगे, ठीक है, या समय से किसानों को इंफॉर्मेशन दे। मान लीजिए आप अपने खेत में कुछ लगा के चले आए और आप जब अगले दिन गए तो पता चला आपका पूरा खेत तहस नहस, क्यों? क्योंकि आपको पता चला उसमें कोई सांड घुस गया, ठीक है। अगर आपको सही समय पे पता चल जाता तो शायद आप सांड को वहां से बाहर निकाल देते और अपने खेत को बचा लेते। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो आपको आपको क्या जो किसानों को समय पर आगाह करेगी ताकि वो अपने फसल को बचा सके बर्बाद होने से, ठीक है। यही AI टेक्नोलॉजी है जो कि तेलंगाना में लाया जा रहा है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। करा तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जयशंकर ने किसानों को AI बेस्ड कीट प्रबंधन प्रदान करने के लिए मुंबई स्थित वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल लर्निंग के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। करा कपास के खेत में पिंक वॉलवर्म्स के किसी भी संभावित संक्रमण के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो बदले में किसानों को अग्रिम जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाता है। यह सिस्टम कैसे काम करेगा? तो याद रखिए, वाधवानी संस्थान द्वारा विकसित AI बेस्ड कीट प्रबंधन यह कपास पर पहले से पिंक वॉलवर्म और अन्य कीट संक्रमण की संभावना की पहचान करेगा और पहचान करके उन क्षेत्रों में जो किसान हैं उनको मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन फटाक से भेजेगा कि भाई आप जल्दी से आप अपने खेत में जाइए और अपनी फसल को बचाइए। क्या बात है, इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गया। करा इसके लिए कौन सहयोग करेगा? तो लिख रहा है जो कृषि विभाग है वहां का वो सहयोग करेगा, कृषि विश्वविद्यालय सहयोग करेगा, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है और जो वाधवानी संस्थान है, ये सब जो है सहयोग करेंगे। इसी के अलावा दोस्तों एक चीज और याद रखिए, IIT गुवाहाटी ने अभी एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित किया है। स्मार्ट विंडो सामग्री तो और अजीब चीज है, क्या है? आपने देखा होगा कि आपके घरों में या बिल्डिंगों में दरवाजे खिड़कियां लगे होते हैं। उन दरवाजे खिड़कियों को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बाहर से प्रकाश हवा वो अंदर बाहर आ जा सके, ताकि वेंटिलेशन बना रहे और उजाला बना रहे, यही लिए तो लगाया जाता है। लेकिन यहां पर क्या किया गया, यह डिफरेंट चीज है, यहां पर स्मार्ट विंडो बना रहे। यह स्मार्ट विंडो क्या करेगा, अंदर और बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, कितने प्रकाश की जरूरत है उतना ही प्रकाश आए बाकी बाहर, कितने हवा की जरूरत है उतना हवा है बाकी बाहर। क्या बात है भाई, इस तरह के स्मार्ट विंडो बनाए जा रहे हैं दोस्तों। किसके द्वारा डेवलप किया गया? यह IIT गुवाहाटी के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। तो बड़ा बेहतरीन सा भी है, तो इसको याद रखेगा। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा दोस्तों Study 91 बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चला रहा है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका PET एग्जाम के लिए फॉर्म आ चुका है और हम लोगों की तरफ से बैच भी अनाउंस हो चुका है, ठीक है। तो आप आइए, ये बैच ज्वाइन करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा और आप सफल भी हो पाएंगे। UPSI का बैच इसी रिगार्डिंग चल रहा है, RO/RO का बैच भी चल रहा है, ठीक है, RO/RO का बैच चल रहा है। इसके अलावा सुपर टेट और यूपी टेट का बैच चल रहा है। टेट में दो बैच चल रहे हैं, एक सुपर टेट चल रहा है, एक यूपी टेट का बैच चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक SSC GD का बैच चल रहा है। तो इतने बैच हैं जो स्टडी 91 के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक मूल विधि की क्लास ले रहा हूं दोस्तों, जिसे आप मूल विधि इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। तो मूल विधि इंडिविजुअल और एक मैथ इंडिविजुअल भी चल रहा है। अगर आप अलग से केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं या केवल इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है, लेकिन एक मोटिवेशन लाइन दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा, ताकि आप समझो थोड़ी सी ऊर्जा आपके शरीर में और आ जाए। लिख रहा है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग निंदा करते हैं, अरे बड़ा दिन से पढ़ रहा है, पता नहीं क्या उखाड़ लेगा, और जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर वही क्या बोलेंगे, अरे हमको पता था इतने दिन से मेहनत कर रहा था तो सिलेक्शन तो मिलना ही था, ठीक है। तो इस तरह की बातें होंगी, बस ऐसे ही बातें होती रहे आपके बारे में, ये जरूरी है, ठीक है। और आप जो भी उद्देश्य लेकर घर से चले हैं, भगवान करे वो उद्देश्य आपका पूरा हो, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी मैं रात को 9 बजे फिर से लाइव आता हूं, ठीक है। रात को 9 बजे हिंदी स्पेशल की क्लास चल रही है, जिन्हें हिंदी स्पेशल की क्लास लेनी है दोस्तों, वो हमारे YouTube पर विजिट करें स्टडी 91 पर, और ये हिंदी की क्लासेज आप ले पाएंगे, क्योंकि बड़ी शानदार सी क्लास चल रही है। कल भी मैंने हिंदी का पहला लेक्चर लिया था, अगर आप नहीं देखें तो पहले पहला देख लीजिए, तब दूसरे में और ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। यहीं से शुरुआत होगी, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। हम ही से दिन की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे, और रात को आखिरी वीडियो भी हमारी रहती है रात को 9 बजे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।